हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो पाठ 2 में हमने पूर्व ऑनलाइन क्लासेस में रूसी क्रांति, उसके कारण, परिणाम, उनके प्रभावों को हमने पढ़ा था। आज हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि 1905 से पूर्व रूस की जो क्रांति हुई थी, 1917 में हुई थी और 1905 में रूस के जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तो उसके जार के शासन के समय 1905 से पूर्व कह लो तो रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि जब जार का जो शासन था तो रूस में जो आर्थिक स्थिति कैसी थी लोगों की, सामाजिक स्थिति कैसी थी और राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को बोर्ड पर लिख दिया है, आपने नोट करते चले। इस संक्षिप्त पॉइंटों के माध्यम से हम इस निबंधात्मक प्रश्न को ढंग से याद कर सकते हैं। आपके पेपर में आने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि 1905 से पूर्व रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, वर्णन कीजिए या समझाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक स्थिति की। तो मैं आपको बता दूं कि रूस में उस समय पर जो समाज था वो कई भागों में विभाजित था। किस प्रकार से कि पहला एक वर्ग था किसानों का, दूसरा वर्ग था सामंत जो लोग थे उनका, और तीसरा जो था वो चर्च के लोगों का था। तो इस प्रकार से तीन भागों में समाज बटा हुआ था। अब जो विशाल जो संपत्तियां थी, किसान जो थे वो खेती का कार्य करते थे अपने, कुछ लोग मजदूरी का कार्य करते थे, लेकिन जो बड़ी संपत्तियां थी उन पर कुलीन वर्गों का, जो अपने जो सामंत जो थे, राजशाही के सामंत थे, और जो चर्च का जो ऑर्थोडॉक्स जो भाग था उनका उन संपत्तियों पर अधिकार था। इसके बाद में हम बात करें कि किसान जो थे, अधिकांश जो किसान थे वो रूस में कैसे थे, धार्मिक स्वभाव वाले थे, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के थे और सामंतों का वो पूरी तरह से सम्मान नहीं करते थे। सामंतों को कोई भी भाव नहीं देता था, उनका सम्मान नहीं करते थे, उनको कोई भी नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? क्योंकि भाई सामंत जो थे वो अनावश्यक कर वसूल करते थे, किसानों का शोषण करते थे, तो अत्याचारों से परेशान होकर के किसान और नवाब और सामंतों का सम्मान नहीं करते थे। इसके बाद बात आ रही है यहाँ पर जो कुलीन जो लोग हैं वो, जो सामंत जो थे, कुलीन जो थे, राजशाही परिवार के जो सदस्य थे वो किसानों का अत्याचार करते थे, उनका अलग अलग तरीके से उनका शोषण करते थे। अब हम बात करें कि सामाजिक स्तर पर बात करें हम, तो देखिए किसान और मजदूर में बटे हुए थे। तो सामाजिक स्तर पर हम देखें, समाज की बात करें तो जो लोग जो थे उसमें या तो खेती करते थे किसान के रूप में थे या फिर मजदूरी का कार्य करते थे, तो दो वर्गों में वहां पर समाज विभक्त था। इसके बाद में हम सामाजिक स्थिति के अंतर्गत देखें, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन मिलता था और अधिक कार्य करना पड़ता था। तो यहाँ पर हमें सामाजिक स्थिति के अंतर्गत में देख लिया कि देहाती क्षेत्र, जो पुराने पिछड़े क्षेत्र होते हैं, देहाती क्षेत्र होते हैं, वहां पर समाज, किसान, सामंत, चर्च, इस प्रकार से उनको समाज को बांटा गया था। विशाल संपत्तियों पर ऑर्थोडॉक्स चर्च का, कुलीन जो राजशाही लोग थे उनका कब्जा था, किसान धार्मिक स्वभाव वाले थे, धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, और वो जो नवाब किसान थे उनका सम्मान नहीं करते थे। सामाजिक स्तर पर किसान और मजदूर दो भागों में जनता बटी हुई थी और महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा उनको कम वेतन मिलता था। काम तो उनको पुरुषों से अधिक करना पड़ता था लेकिन महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का नहीं माना जाता था, उन्हें इसलिए वेतन भी कम मिलता था। अब बात कर रहे हैं हम आर्थिक स्थिति की कि 1905 से पूर्व रूस में आर्थिक स्थिति कैसी थी लोगों की, धन के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में जाने। तो देखिए रूस में जो 85% जनता थी वो कृषि कार्यों पर निर्भर थी, यानी खेती का कार्य करते थे। वहां पर प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो वो क्या था, वहां पर कृषि था, और दूसरा जो व्यवसाय था वो क्या था, वहां पर मजदूरी थी, मजदूरी के कार्य। और बड़ी संपत्तियों का ऑर्थोडॉक्स जो चर्च के जो लोग थे, मैंने आपको बताया था कि वहां पर
दो भागों में चर्च के लोग बटे हुए थे, ईसाई जो थे, ईसाई जो समाज था दो भागों में बटा हुआ था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर कैथोलिकों को और प्रोटेस्टेंट जो ईसाई जो थे उनके द्वारा उनको निम्न माना जाता था, और प्रोटेस्टेंट जो लोग जो थे ईसाई जो थे उनके जो चर्च थे उनके ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थे उनका बड़ी संपत्तियों पर अधिक भूमि पर उनका कब्जा था। तो यानी कि यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स जो चर्च जो था उसका अधिक प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलता है। अब बात करें हम शहरों की, बात करें ग्रामीण समाज में, देहाती समाज में, अभी हमने पढ़ा कि दो भागों में बटे हुए थे लोग, या तो किसानों में या फिर मजदूरों में। अब हम बात कर रहे हैं शहरों की, बात कर रहे हैं तो शहरों में जो लोग थे या तो कारीगरों की, जो हस्त कारीगर जो थे उनकी अधिकता थी, या फिर मजदूरों की अधिकता वहां पर दिखाई देती थी। इसके बाद में मजदूरों को जो फैक्ट्रियों में, जो मिलों में जो काम करते थे मजदूर, उनको बहुत कम वेतन मिलता था, बहुत कम मजदूरी मिलती थी, और उसमें भी महिला और पुरुष के हिसाब से उनमें भी क्या थी, भिन्नता दिखाई देती थी, हमें लैंगिक भिन्नता हमें दिखाई देती है, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिलता था। अब बात आ रही है यहाँ पर 10 से 12 घंटे तक का कार्य करना पड़ता था। ये भी देखिए वहां की प्रमुख बात थी कि वहां उस समय जो श्रमिक जो थे उनको 10 से लेकर के 12 घंटे तक मजदूरी करनी पड़ती थी, जो कि बहुत अधिक समय है। आज वर्तमान में अगर देखें हमारे संविधान में तो देखिए 8 घंटे समय के निर्धारित किए गए हैं, लेकिन 1905 के पूर्व की अगर हम बात करें तो वहां पर कितना समय देखने को मिलता है हमें कि 10 से 12 घंटे का समय हमें देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर महिलाओं ने अपनी मजदूरी और काम के विरोध में वहां पर जो विरोध किया था, ठीक है, तो उसी से प्रभावित होकर के आज वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला जो दिवस मनाया जाता है हमारे यहाँ पर वो यही की देन है। सर्वप्रथम महिलाओं ने जो है अपने वेतन को बढ़ाने के लिए और अपने जो कार्य के जो घंटे हैं पुरुषों के बराबर करने के लिए, उनको कम करने के लिए यहाँ पर विश्व में, पूरे विश्व में सर्वप्रथम आवाज उठाई थी, और यही से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत हुई थी। इसके बाद जब बात करें आर्थिक स्थिति के बारे में, तो जो रूस का जो जार था, जार यहाँ के राजा की क्या थी, एक उपाधि थी, जैसे कि हमारे यहाँ पर महाराजा, सम्राट, इस प्रकार से जो है राव, तो ये जो है मालिक कि रूस में जो वहां का शासक जो था जार, जिसे कहते हैं जार निकोलस द्वितीय, तो उसने जो वहां के किसान थे, वो श्रमिक जो लोग थे, जो वहां के जो लोग थे, अपने देश के जो लोग थे जो पीड़ित थे, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, उन्हें बहुत कम वेतन मिलता था, तो हम उसके उत्थान के लिए कोई भी सुधारवादी कार्य नहीं किया, उनके विकास के लिए कोई भी उसने कोई कार्य नहीं किया। तो इसके कारण से क्या था, लोगों में क्या था, जार के प्रति, निकोलस द्वितीय के प्रति असंतोष व्याप्त था, वो उससे घृणा करते थे, ये वहां का प्रमुख कारण था क्रांति का। तो रूसी क्रांति का प्रमुख कारण यही था, क्योंकि जार से लोग असंतुष्ट थे और उसने उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया था, अन्न का भी अभाव हो गया था, लोग भूखे मरने की नौबत आ गई थी, उनको बहुत मजदूरी कम मिलती थी, उन पर अधिक टैक्स वसूला जाता था, उनसे अनेक प्रकार के उनके साथ में अत्याचार किए जाते थे। तो ये भी यहाँ का एक प्रमुख कारण है। अगली हम बात करते हैं राजनीतिक स्थिति, 1905 से पूर्व रूस में राजनीतिक हालात कैसे थे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें क्रांति से पूर्व रूस में स्वेच्छाचारी, तानाशाही या निरंकुश शासन था। जार का कैसा शासन था, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, तानाशाही, मनमर्जी करने वाला, इस प्रकार से जनता में सर्वत्र कैसा था, असंतोष था। जार की जो नीतियां थी वो लोगों के प्रति कैसी थी, अच्छी नहीं थी, वो लोगों के साथ में अत्याचार करता था, मन मर्जी करता था। तो इसके कारण से क्या हुआ कि उस समय पर रूस पर फ्रांस और जर्मनी ने भी और ऑस्ट्रिया ने भी आक्रमण जब कर दिया था, तो उसमें रूस की भारी पराजय हुई थी, रूस में लगभग 70 लाख लोग मारे गए थे, और जबरदस्ती उसने सेना में भर्ती कराने के लिए लोगों को, उसने जबरदस्ती उनको भर्ती करना प्रारंभ कर दिया, तो जिसके कारण
से लोगों में एक भारी असंतोष फैल गया था, जिसके कारण से जनता उससे नाराज थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जो संसद, मैंने पहले आपको बताया है द्यूमा, जैसे कि हमारे भारत में जो संसद है पार्लियामेंट है, इसी प्रकार से जो रूस में जो संसद जो थी उसको वहां पर द्यूमा कहते थे। तो रूस की संसद का क्या नाम है? द्यूमा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्यूमा जो है। तो राष्ट्रीय संसद जो थी उस समय, जो कि एक तरह से विधान परिषद जो थी, जो कि उस समय जब डायरेक्टरी का शासन हो गया था क्रांति के दौरान, तो डायरेक्टरी के सदस्य और विधानसभा के सदस्य जो जार को परामर्श देने का काम करते थे उसका कोई महत्व नहीं था। जार ने उसको क्या कर दिया था? बर्खास्त कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया था। मजदूर, किसान और महिलाओं को, तो देखिए शासन में भाग लेने का अधिकार केवल उस समय चर्च के लोग, कुलीन जो लोग थे, सामंत जो लोग थे, धनी जो लोग थे, उनको ही शासन में भागीदारी का अधिकार था। और जो बेचारे जो मजदूर जो थे, किसान जो थे, महिलाएं जो थी, उनको शासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इसके बाद में बात करें कि जो आम जो लोग थे, जो कि जार को डर था कि वो कहीं ऐसा नहीं हो कि राजनीतिक संगठन बना ले, राजनीतिक दल बना ले और मेरे विरुद्ध खड़े हो जाए, तो इसीलिए रूस ने क्या करा था, राजनीतिक दलों के गठन को मान्यता नहीं दी थी किसी को, और उसने राजनीतिक दलों के गठन करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी थी। तो इस प्रकार से अभी हमने पढ़ा कि 1905 से पूर्व रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, ये महत्वपूर्ण बिंदु आप नोट कर लें ढंग से और इनको होमवर्क के रूप में आप याद ही कर लें। एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने वार्षिक परीक्षाओं में आने का। तो ये हमारी सामाजिक स्थिति है, यहाँ पर आर्थिक स्थिति दे रखी है और यहाँ पर हमारी राजनीतिक स्थिति दे रखी है। इसे आप ढंग से याद कर लें, नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।